सॉरी, अब फूल नहीं लेके आऊंगा। नेक्स्ट टाइम रोजेस ले आना, उससे मुझे एलर्जी नहीं। कना, तुझे भूख लग रही होगी, मैं नाश्ता लाई हूँ। सही है, मैं भी लेकर आई हूँ, शारदा जी ने खुद तुम्हारे लिए भेजा है। इडली, सांबार और मेदोड़ा। ओह, दैट्स अमेजिंग। सेम सेम डिशेस। अरे पर ये तो खा ही नहीं सकती। क्यों? डॉक्टर ने बोला सिर्फ लिक्विड अलाउड है। क्यों? पर मैं तो खा सकता हूँ ना, और मुझे सॉलिड भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी। रुद्र, एक काम करते हैं, आई तो थिंक हम दोनों को ना कहीं बाहर चलना चाहिए, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। व्हाट से? अगर इतना डिलीशियस खाना हमारे सामने है और हम लोग भी यहीं पर हैं, तो बाहर क्यों जाना? सब मिल बैठ के खाते हैं, है ना? चलिए, आपने भी कुछ नहीं खाया होगा ना। बच्चे जब भूखे हो तो माँ कैसे खा सकती है? बच्चे साथ हैं, खाना सामने, टूट पड़ते ना। एक्चुअली मैं सारांश को भी यहीं बुला लेता हूँ। No, 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 wait, 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 wait. ये सब बहुत ऑयली है, come on. I'm on a diet. मैं ये सब नहीं खा सकती हूँ। तो तुम क्या खाओगी? I think canteen में check कर लूँगी मैं। हाँ, sure. You go and check it out. Wait, तुम भी चलोगे इस साथ में? नहीं नहीं, मैं तो ये खा रहा हूँ। Look at him. इस प्रीशा के लिए flowers ला रहा है और मुझे canteen में फेंक रहा है। I swear, Dad को ना 8-10 गोलियां मारनी चाहिए थी इस प्रीशा को। अरे once and for all पूरा झंझटी खत्म हो जाता। अब अकेले क्या करूं मैं यहाँ? पापा जी, have some fruits. अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इतना अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया, और कुछ नहीं खा सकता मैं। I'm done. Thanks. You're welcome. Actually, thank you मुझे कहना चाहिए आपको। तुम क्यों thank you बोलोगी? ब्रेकफास्ट तुमने बनाया, मैंने क्या किया? आपने मुझे और मीश को इस घर से बाहर नहीं निकाला। डैड ने जो कुछ किया प्रीशा और सारांश के साथ, अगर आपकी जगह कोई और होता, आई एम श्योर हमें इस घर में नहीं रहने देता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब निकेतन ने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी क्या गलती? कोई अब तो मैं सबके बारे में गलत मत सोचो। That's it. पर रुद्र ने आपके बारे में गलत सोचा ना? गलत सोचा मतलब कैसे? सारांश के लिए आपको ब्लेम नहीं किया रुद्र ने? आई मीन आई अंडरस्टैंड कि आप सारांश को ज्यादा पसंद नहीं करते, उससे हमेशा खफा रहते हैं, गुस्से में बात करते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसे किडनैप कर लेंगे। हाउ कुड रुद्र थिंक लाइक दैट एंड दैट प्रीशा? नो नो, दैट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। मैं और सारांश एक साथ घर से गायब हो गए तो यू कांट ब्लेम देम फॉर थिंकिंग लाइक दैट। उनका शक जायज था। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, You were plain lucky. Fortunately, Prisha को वक्त पे सच का पता चल गया। नहीं तो आज मेरे डैड के बजाय आप बैठे होते जेल में। And that too क्यों? एक झूठे इल्जाम पे। और वो इल्जाम किसने लगाया आप पे? रुद्र एंड प्रीशा। No 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 wait. I'll correct myself. रुद्र एंड प्रीशा ने। सिर्फ प्रीशा। रुद्र तो भोला है। He's so innocent. I'm sure. उस प्रीशा ने ही अपने जाल में फंसा लिया होगा रुद्र को। नहीं तो रुद्र आपके खिलाफ जाए? इम्पॉसिबल। प्लीज रोकिए उस प्रीशा को, इससे पहले कि वो सब खत्म कर दे, आपके हाथ से आपका कंट्रोल छीन ले। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। पापा जी, प्लीज प्लीज डू समथिंग। हम इसे लाइटली नहीं ले सकते, नहीं तो हम रिग्रेट करेंगे। प्लीज कुछ करिए। तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं इस घर में हूं, इस घर में कंट्रोल मेरा ही रहेगा और कोई भी बात हद से आगे नहीं बढ़ेगी। सही जगह हिट किया है और अब मेरा रियल गेम भी शुरू होगा। एंड ऑफ कोर्स विनर तो मैं ही होने वाली हूँ। ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना, जो मन से बनाए जाते हैं
वो रिश्ते रब के नवाजे होते हैं। प्यार वाले धागों से बुने ये नाते नसीब वाले ही पाते हैं। ये है चाहते, ये है चाहते इश्क वालों की, ये है चाहते है मोहब्बत, है मोहब्बत दिल वालों की। ये है चाहते, ये है चाहते इश्क वालों की, ये है चाहते है मोहब्बत, है मोहब्बत दिल वालों की, ये है चाहते। ठीक है, मैं समझ गया सिस्टर, सारी दवाएं दे दूंगा और वो भी टाइम पे दे दूंगा। अच्छा, और कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं बची ना इनको घर ले जाने के लिए? नहीं नहीं, आप इन्हें घर ले जा सकते हो। ओके, थैंक यू। सो रेडी टू गो, घर चले? यस। अरे यार, ये अपनी बार बार फोन कर रहा है, उठा लो ना, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। मिस्टर आहूजा, क्या प्रॉब्लम है? मैं आपका फोन बार बार काट रहा हूँ तो कोई तो प्रॉब्लम होगी ना। मैं बिजी हूँ अभी, आपको मैं अभी आपका कॉन्सर्ट नहीं कर सकता, प्लीज। नहीं, डबल पैसे में भी नहीं, आई एम फाइन। मैं बस अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। या मैं आपको आराम से फोन करता हूँ। भाई, तुमने कॉन्सर्ट के लिए मना कर दिया? हाँ। अब क्या होगा? क्या होगा, कॉन्सर्ट नहीं होगा और क्या होगा? मेरा मतलब, बलराज अंकल को पता लगेगा तो वो गुस्सा नहीं हो जाएंगे? होने दो, कॉन्सर्ट ज्यादा जरूरी है या तुम दोनों की हेल्थ? मैं वही कर रहा हूं जो भाई करते, अगर वो आज यहां होते। सो चले, लेट्स गो। गो यो, चलो। संभाल के बैठ जाओ। वैसे चक्कर क्या है, क्यों इतना संभाला जा रहा है? चक्कर क्या चक्कर है ब्रो? सिंपल सा चक्कर है, अभी हम आपकी सेवा कर रहे हैं, जब आप ठीक हो जाओगी तो आप हमारी करना। यस, यस। ओके, तुम्हारी मर्जी, जाओ मेरे लिए पानी लेकर। ओके माय लॉर्ड। ओए ओए जूनियर लॉर्ड, नीचे बैठ, तुझे भी आराम करना है ना, पानी मैं लेके आता हूँ। वैसे तुम्हें सच में पानी चाहिए या ऐसे ही मजे ले रही हो? दोनों, पानी के साथ मजे फ्री। अरे मुझे भी फ्रूट लेने हैं। हाँ हाँ, आ जा। आ गए तुम, अच्छा हुआ आ गए, तुमसे बात करने के लिए आने वाला था मैं। क्या हुआ पापा? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? अरे तुम मुझे बताओ, ऐसा क्या हो गया कि तुमने वो आहूजा का इतना बड़ा कॉन्सर्ट कैंसिल करके रख दिया? अच्छा ये बात है, डबल पैसा दे रहा था वो हमें, जानते हो ना, डबल पैसा, फिर भी तुमने मना कर दिया। हाँ। क्यों? वही तो पूछ रहा हूं मैं। क्योंकि इस वक्त मेरी प्रायोरिटी परीक्षा और सारांश की हेल्थ है, और मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके लिए तुम अपना कॉन्सर्ट, अपना करियर, वो सब छोड़ दोगे? पापा, एक कॉन्सर्ट कैंसिल करने से कोई करियर खत्म नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो अब तुम्हें तुम्हारा करियर ज्यादा समझ में आने लगा है? हाँ, मुझसे भी ज्यादा? ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि। अरे लेकिन तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, वो बताओ मुझे। इतना बड़ा फैसला लिया तुमने, कम से कम मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था। तो उससे क्या होता,
ना आपका जवाब बदलता और ना मेरा फैसला। तुम्हारा फैसला, तुम्हें हक किसने दिया इतना बड़ा फैसला लेने का? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पापा प्लीज, मैं अभी इन लोगों को हॉस्पिटल से लेके आया हूँ, हम प्लीज ट्राई। नहीं नहीं नहीं, तुम अभी बात करो, अभी बात करनी है, इसी वक्त बात करनी है, बात करो मुझसे। आप धीरे बात कीजिए, आप सारांश को डरा रहे हैं। ये मेरा घर है और यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ मैं वैसे ही बात करूंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम अपनी हरकतों को ठीक करो। मिस्टर आहूजा को फोन कर रहा हूँ और तुम उससे कहो कि तुम कॉन्सर्ट करने के लिए राजी हो। हाँ बोलो उसे। फोन मत कीजिए पापा, क्योंकि मैं कॉन्सर्ट नहीं करूंगा, आपकी बेइज्जती होगी। तुम मेरी बेइज्जती करोगे, अपने बाप की बेइज्जती करोगे। Just look at me, मिस्टर आहूजा को मैं फोन कर रहा हूँ और तुम उनसे कहोगे कि तुम कॉन्सर्ट करने को राजी हो, वरना। वरना क्या? वरना तुम इस घर में नहीं रहोगे। जो मेरे साथ नहीं रहेगा वो इस घर में भी नहीं रहेगा।